पीठ के पीछे भौंके तुम्हारे तो पीछे से नहीं सामने से उसका मुंह तोड़ दो, और अगर शेर की तरह धाड़ना है तो बेटा कुत्तों की तरह ना भौंकना छोड़ दो। हे गाइस, बेटू आर्मी हियर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया ही रहना। गाइस फाइनली मेरा स्कोर 4500 हो चुका है एंड इस सीजन में कंटिन्यूअसली सोलो में ही रैंक पुश कर रहा हूं। एंड गाइस अगर आप लोग भी मेरी तरह सोलो में ही रैंक पुश करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। कि गाइस आज के वीडियो में मैं आपको या तो आप उसे जोन ग्लिच बोलो या फिर कैरेक्टर की एबिलिटी बोलो, गाइस मतलब इतने अच्छे खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। गाइज अगर आप सोलो में रैंक पुश करते हो ना तो फिर आपका 10 में से 9 मैच 100% टॉप 3 होने वाला है। वैसे भी गाइज अगर आप लोग अभी डुओ या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करने जाते हो तो फिर इतने हार्ड बंदे आते हैं कि सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट जोन तक 35 एलाई मतलब 30-30 बंदे बचते हैं। गाइज अगर आप सोलो में टॉप 25 में भी मरते हो ना एंड अगर आपने 2 किल किया तो आपको 5-6-7 का प्लस तो मिल ही जाएगा, मतलब माइनस तो नहीं होने वाला। चलो गाइज फाइनली अब मैं इसी आईडी से एक रैंक मैच स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आपको खेलना कैसे। एंड गाइज जब तक गेम स्टार्ट होता है तब तक मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइज इस गेम की स्ट्रेटजी को समझने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये है वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मैं अभी इस सीजन सोलो में कंटिन्यूअस रैंक पुश मार रहा हूँ गाइज, जिसमें मैक्सिम फॉर्ड कपेला एंड एक्टिव स्किल में के कैरेक्टर एंड पेट में आपको ओटेरो पेट लेना। एंड फाइनली गाइज अब उसके बाद जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं। एंड गाइज लॉबी में आने के बाद आप लोग देख लो लिटरली तो कितने ज्यादा हार्ड बंदे आए हैं, मतलब समझ रहे हो ना गाइज कि अगर इतने ज्यादा हार्ड बंदे आएंगे उसके बाद अगर आप मतलब अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी फिर आप रैंक पुश करोगे कैसे? तो मैं आपको सच सच बता दूं तो गाइज लॉबी में बंदे हार्ड आए या नूब इससे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, फाइट तभी होगी जब आप चाहो। एंड फाइनली गाइज उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं प्लेन में। एंड प्लेन में आने के बाद अब आता है सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको लैंडिंग कहाँ पे करना है। गाइज लैंडिंग के लिए आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसे यहाँ पे इजेक्ट का ऑप्शन आए तुरंत से लैंड करा देना। जैसे गाइज देख लो कि मैंने तुरंत से लैंड करा दिया एंड पूरा डाउन कर देना, मतलब समझ रहे हो ना गाइज कि एक सेकंड भी आपको लेट नहीं करना। एंड गाइज स्टार्टिंग में आपको पूरा रस खेलना है, कम से कम आपके 2 किल निकालना ही निकालना है, क्योंकि गाइज आप जहाँ पे लैंड करोगे ना वहाँ पे ये कंफर्म है कि कोई ना कोई और बंदा जरूर लैंड करेगा। एंड देख लो गाइज जहाँ पे मैं लैंड करता हूँ ना मेरे से पहले मेरे दूसरे वाले बंदे को गन मिल चुका है, बट स्टिल गाइज आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप मर जाओगे तो फिर आप दोबारा तो रिवाइव हो ही जाओगे ना जब तक पहला जोन स्विंग नहीं करता। तो गाइज फाइनली क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। गाइज अगर आप ग्रैंड मास्टर पे भी होना एंड अगर आप 2 किल निकाल लिए तो फिर ये कंफर्म हो जाओ गाइज कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका कम से कम 25 प्लस मिलेगा। एंड गाइज इससे आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो। एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तो गाइज इतने में क्या होता है ना कि मैं दूसरे वाले बंदे को भी मार देता हूँ। एंड गाइज अभी भी मेरे पास 34 सेकंड है, अगर इस टाइम के अंदर मैं एक आध बंदे और टपका देता हूँ ना गाइज तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट गाइज कम से कम 2 किल तो आपको करना ही है। फाइनली इतने में ही पहला जोन स्विंग करने वाला होता है, मतलब कि अगर अब मैं मरा ना तो मैं मर जाऊंगा, बट गाइज यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। एंड गाइज रिस्क में मुझे इतना डर लगता है ना यार कि मतलब एकदम थोड़ा सा एचपी बचता है मेरे पास। एंड फाइनली मेरे 3 किल हो जाते हैं। एंड गाइज अब मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, ये है गाइज कि अगर आप स्टार्टिंग में बंदे को मारते हो ना तो उनके पास आता है रिवाइव का ऑप्शन, और अगर बंदे नूबरे होते हैं तो ये कंफर्म है कि वो रिवाइव भी होकर के यहीं पे उतरेंगे। एंड कुछ ऐसा ही होता भी है गाइज। तो इतने में क्या होता है ना कि एक बंदा यहाँ पे नीचे लैंड किया होता है, एंड फाइनली गाइज मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ। तो फाइनली मेरे हो जाते हैं 4 किल। एंड गाइज अब आपको भी पता है कि स्टार्टिंग में लैंड करने के बाद 2-3 या फिर 4 किल कर लो तो फिर आपको तो सर्वाइव ही तो करना है। तो गाइज यहाँ तक तो गेम का फर्स्ट फेज था, अब इसके बाद गेम का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया उसको यूज कैसे करना है, कैसे आपको जोन के बाहर सर्वाइव करना। क्योंकि गाइज अब मैं आपको क्लियर बता दूं तो अब मैं जोन के अंदर तभी जाऊंगा जब तक कि मेरा पोजीशन टॉप 5, टॉप 6 या फिर टॉप 7 नहीं हो जाता, उससे पहले किसी भी हाल में मैं जोन के अंदर नहीं जाने वाला। तो अब जो आपको जोन के बाहर ध्यान देना है ना गाइज वो मारने वाले या फिर गन या बंदूक पे ध्यान नहीं देना, अब आपको ध्यान देना सिर्फ मेडिकिट्स एंड इनहेलर पे, जितना ज्यादा लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि गाइज सेकंड या थर्ड जोन तक तो आपका ये जो है ना कैरेक्टर वही काम कर देगा। एंड गाइज मान लेते हैं कि आपको अगर एक भी मेडिकिट नहीं मिलता, चलो 0 मेडिकिट मिलता है, तो यार वेंडिंग मशीन से 2 मेडिकिट, 2 इनहेलर एंड 2 सुपर मेडिकिट फ्री में मिलता है। एंड गाइज इतना
ही काफी आपको जोन के बाहर रैंक पुश करने एंड वैसे भी अगर अब आप ईपी या फिर मेडिकेट यूज करोगे ना तो बिना मशरूम खाए आपको ईपी मिलने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि आपके पास है पेट में ओटेरो। एंड फाइनली गाइस जब फर्स्ट जोन स्विंग करके रुक चुका होता है एंड अब ये सेकंड जोन स्टार्ट होने वाला है। वैसे गाइस मैं कुछ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं क्या आपको, तो गाइस इस गेम में हैकर भी आया हुआ है। इसका मतलब ये है गाइस कि वो सीधा हेडशॉट मार रहा है। एंड गाइस जब हैकर से बच करके अपने आप को रैंक पुश करना, अगर आप ये जोन वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं लोगे तो फिर कैसे चलेगा? वैसे गाइस अगर आपको लूट के टाइम पे मेडिकेट नहीं मिलते है ना, एंड अगर आपके पास टोकन है तो आप इस बॉक्स से भी मेडिकेट निकाल सकते हो। वो कैसे? तो देखो गाइस जहां पे आपको बार बार रिफ्रेश करना है जैसे मेडिकेट आया ना उसको परचेज कर लेना, फिर रिफ्रेश करना जैसे मेडिकेट आया परचेज कर लेना। एंड अब पॉइंट ये है गाइस कि सेकंड जोन भी स्विंग करके रुक चुका है एंड अब थर्ड जोन स्टार्ट होने वाला है। तो क्या लगता है गाइस आपको कि अरे वैसे भी मेरा पोजीशन भी टॉप 10 हो चुका है यार, मतलब अरे कुछ भी, मतलब समझ लो ना गाइस कि बंदे मेरा ही साथ दे रहे हैं। एंड हां यार अब भाई मेरी एचपी इतनी ज्यादा घटने लगती है ना, मैं करूं तो करूं क्या? तो गाइस मैं क्या करता, सबसे पहले हेल्थ को फुल करता हूं, उसके बाद मैं ये लॉन्च पैड पकड़ता हूं, डायरेक्ट मैं जोन के अंदर एल से पे लैंड मारता हूं। जहां तक मुझे पता मैं एल से पे लैंड करूंगा। एंड यहां से गेम का शुरू होता है थर्ड फेज। सबसे पहला फेज तो ये था जो आपको किल्स निकालने हैं, दूसरा फेज था जोन सर्वाइव करना है, तीसरा फेज है टॉप 9 के बाद या फिर टॉप 8 के बाद जो आप जोन के अंदर आते हो फिर वहां आपको कैसे कंटिन्यू करना। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही जोन स्विंग कर रहा होता है ना तो आपको जोन को रोटेट करते हुए जोन के अंदर जाना, डायरेक्ट सीधा सीधा जोन के अंदर जाओगे तो जो सामने वाला बंदा है ना वो सीधा आपको हेडशॉट मार सकता है। अभी यहां पे ऊपर में हाइट है इसीलिए मैं सीधा जा रहा था, बट फिर से मैं रोटेट करने लगता हूं। गाइस आपके रोटेट करने से फायदा ये होगा ना कि जो आपके सामने जो बहुत ज्यादा बंदे होंगे ना वो आपको तुरंत से दिख जाएंगे, तो आप वहां से आप चाहो तो फाइट भी ले सकते हो। फाइट लोगे क्यों, ऑलरेडी आपने गेम की स्टार्टिंग में किल कर रखा तो वहां से कट मार। तो फिर आपको करना कुछ नहीं गाइस, जैसे आप जोन के अंदर आते हो तो आपको चुपचाप जोन कवर करना है एंड आराम से पोजीशन टॉप 3 होने का वेट करना है, क्योंकि गाइस टॉप 3 होने के बाद अगर आपके 2-3 या फिर 4 किल हैं तो इजीली आपका 20 से 25 के बीच में प्लस आपको आराम से मिल जाएगा। सोच रहे हो कि बेटू भाई आप ही तो मना करते हो फाइट करने से, यहां पे आप ही बंदूक चला रहे हो, मतलब कुछ भी यार क्या ही है मतलब। तो नहीं गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने साइलेंसर लगाया था बंदूक में, फिर मैं गन को चलाना स्टार्ट किया। एंड फाइनली गाइस इतने में ही अब जोन बहुत छोटा हो जाता है, पोजीशन भी टॉप 3 हो चुका है एंड मैं इंतजार कर रहा होता हूं टॉप 2 होने का। बट गाइस इतने में ही क्या होता है ना कि मुझे तो मैं तो भूल ही गया था कि गेम में हैकर भी है ना गाइस, ये हैकर मेरे को इतना गंदा मारता है। तो गाइस देख लो आप लोग मेरे पास हेलमेट लेवल 3 की थी एंड इस हैकर ने सीधा ही मेरा हेलमेट तोड़ दिया भाई। अब उसके बाद मैं इसको मारू तो मारू कैसे, ये बंदा आता है सीधा मेरे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। एंड गाइस अब आप लोग सोचोगे कि अरे बेटू भाई नहीं ये तो हैकर नहीं था, तो गाइस आप इसकी यूआईडी देख लो। एंड वैसे भी अभी अभी एक बंदा बचा है ना, आप देखना ये बंदा लास्ट वाले बंदे को कैसे मारता है। तो गाइस फाइनली देख लो आप लोग, तो ये बंदा जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाता है इसको बंदा दिखता है। गाइस देखो मतलब समझ रहे हो ना यार कैसे ये हेड मार रहा है, मतलब भाई अब इस बंदे ने उसके ऊपर नेट मारने की कोशिश करता, फाइनली फाइनली इसको बंदा जो डाउन होता है ये नेट से मारने के बाद उसको जाता और फिनिश कर। तो फिर यहाँ से तो आप कंफर्म हो गए होगे ना कि बंदा हैकर ही है। तो एंड गाइस देख लेते ना कि मैं टॉप 3 में आया था 4 किल करने के बाद तो मेरे को कितना प्लस मिलता है। तो गाइस देख लो हीरोइक 3 स्टार पर भी मेरे को 26 का प्लस मिल जाता है। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।